क्या नाम है आपका भैया? नाम संजय शर्मा है। संजय जी, टोड़ी गांव से आप रहने वाले हैं और टोड़ी गांव में जो बहुमत है, मत है, कम भले ही है लेकिन एक अपने आप में बहुत अहम रखता है, अहमियत रखता है अपने आप में। अभी कोई प्रत्याशी नहीं हुआ है लेकिन आप अगर प्रत्याशी के रूप में किसी को देखना चाहे तो वो कौन देखना चाहेंगे भाजपा के टिकट पर? भाजपा में हमारे यहाँ ज़्यादातर जो काम भाजपा ने किए हैं, एक तो सबसे बढ़िया काम ये किया है कि भाई भयमुक्त प्रदेश है। भयमुक्त प्रदेश है, सबसे पहले तो बदमाशी वगैरह सब खत्म हो गई जी। ये बहुत बढ़िया एक सराहनीय काम है बीजेपी का। तो हमारे यहाँ गांव में 70% वोट बीजेपी को जाएंगे भले ही वो कोई भी प्रत्याशी आए। लोकसभा सीट से भी अगर मैं बात करूं, केपी मलिक हैं विधायक, या जो अभी अमित राणा भी जो है दौड़ में आ रहे हैं, अमित राणा से अलग अनिल तोमर हैं और भी बहुत लोग जो है वहां से सीट से अपनी दावेदारी। प्रत्याशी बढ़िया प्रत्याशी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों प्रत्याशी जीत की कगार पे हैं। नहीं, तीनों तो नहीं जीत लड़ सकते, चुनाव लड़ सकते ना, जिसके भी टिकट होगा वही जीतने के जीतेगा। अच्छा, तीनों प्रत्याशी नंबर टक्कर के तीनों प्रत्याशी है, ऐसी नहीं। प्रदेश में सबने अपना प्रभाव जमा के रख रखा, अनिल तोमर ने भी और अमित राणा का तो भाई आपने देखा होगा बड़ौद के अंदर भी काफी दबदबा भी है और वैसे भी अच्छे प्रत्याशी है। और केपी मलिक तो भाई पुराने विधायक रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है और हमारे प्रदेश के लोगों के बीच में भी रहे हैं। कौन से वो विकास कार्य जिनसे प्रभावित आप हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, या दूसरा दल को मौका नहीं देना चाहिए? आपको नहीं लगता दूसरे दल को भी आना चाहिए? नहीं, दूसरे दल की सरकार तो देखी है हमने भी, पर जो है जो ये सरकार अब की बार आई है, सबसे बड़ा इसमें एक तो बदमाशी खत्म है बिल्कुल, दूसरी चीज़ है गांव में विकास भी हुए हैं, काम भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं पिछले मुकाबले। और हमारे जो केपी मलिक जो प्रत्याशी हैं उन्होंने हमारे गांव को भी काफ़ी काम दिया है और गाँव के आसपास के लोग जो है वो भी उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। तो आप भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकाल हैं, जो विधायक रहे हैं यहाँ से बड़ौद विधानसभा से, बड़ौद विधानसभा से जो सीट से जो रहे हैं, उससे आप खुश हैं उनके कार्यकाल से? हाँ, खुश हैं। मैं तो अमित राणा से भी खुश हैं हम लोग, अमित राणा भी हमारे करीब रहते हैं, ऐसी बात नहीं, अच्छे प्रत्याशी है दोनों और मेरे ख्याल से इन दोनों में से ही तीनों में से ही एक का टिकट होगा। एक का टिकट होगा, वो तो स्वाभाविक सी बात है। बीजेपी की अपनी वोट काफ़ी है, बीजेपी की तो सिंबल की वोट है भाई, बीजेपी का तो कमल की वोट यहाँ काफी हमारे गांव में, पहले कुछ कम थी पर अब 2 साल से ज्यादा है। कितने प्रतिशत लोगों का समर्थन आपके अगर जानना चाहिए हम आपसे तो कितना रहेगा? 60-70% लोगों का समर्थन, 60-70% वोट जो है टोड़ी गांव से भाजपा के उसमें जाएंगे, ये आप अपने पूरा दावा कर रहे हैं? अरे, हम गाँव में रहते हैं तो 60-70% वोट रहेगा। नमस्कार, तो आप इनको सुन रहे थे, इनका साफ साफ कहना है यही कि जो बहुमत की अगर बात करें तो वो भाजपा की ओर भारी रहेगा और करीब 60-70% वोटिंग भाजपा के पाल में जाएगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।